स्कूल में डेथ हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में हमें इस आदमी का नाम मिला जो कि क्लियरली इन्वॉल्व था इस केस में। अभी एग्जैक्ट हम इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्स आपको नहीं रिवील कर सकते क्योंकि हम स्टिल प्रोसेस में हैं, लेकिन ये पर्सन इन्वॉल्व था उसमें और ये बहुत टाइम से ये कोल्ड सिंडिकेट में काम करता है। जब हमने इसके घर पर रेड करी तो ये आदमी कूद कर भाग गया बाहर, रॉन लुंगशा नाम है इनका। और इनके घर पे हमको सर्च करने पे इसी रूम से जो ये सारा कैश हमको बरामद हुआ है, करीब हमारे 2 घंटे के ऊपर हो चुका है, हम काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने 2,61,00,000 ऑलरेडी काउंट कर लिया है, बट अभी काउंटिंग जारी है। ये सारा पैसा जो है अभी स्टिल काउंट करना बचा हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 3 करोड़ जैसा टोटल कैश सीजन होना चाहिए इनके घर से। ये हम लोग का पूरी रात से चल रहा है, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन और वो सब शुरू हो गया था, लेकिन हमने अराउंड रात को 1-1.5 बजे रेड मारा था इनके घर पे। उसके बाद इनके भागने के बाद फिर हमने सर्च प्रोसेस स्टार्ट किया और करीब आप मान लीजिए कि ये काउंटिंग हमारा खाली 2 घंटे पहले से शुरू है, 3 बजे या 4 बजे मान सकते हैं, 4 बजे से तो सिर्फ काउंटिंग ही चल रहा है। उसके पहले से हमने ये सारा शुरू कर दिया था, ये रेड मारना, सर्च वगैरह, तो ये ऑलमोस्ट पूरी रात से ही प्रोसेस चल रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट 2 रात से इस केस में लगे हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर करने में, और उसके बाद हमने केस इन्वेस्टिगेशन करके ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मार्गरीटा पुलिस स्टेशन की इंटायर टीम का बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है इस चीज़ में, और उन लोग की दिन रात की मेहनत है ये कि हमें इतना अच्छा एक सक्सेस मिला है। हमने लिए हैं ऑलरेडी, हमने सारी एक्सपर्ट टीम्स को बुला लिया है, SDRF, NDRF और एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम डेड बॉडीज़ को निकाल पाएंगे। स्कूल में डेथ हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में हमें इस आदमी का नाम मिला जो कि क्लियरली इन्वॉल्व था इस केस में। अभी एग्जैक्ट हम इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्स आपको नहीं रिवील कर सकते क्योंकि हम स्टिल प्रोसेस में हैं, लेकिन ये पर्सन इन्वॉल्व था उसमें और ये बहुत टाइम से ये कोल्ड सिंडिकेट में काम करता है। जब हमने इसके घर पे रेड करी तो ये आदमी कूद कर भाग गया बाहर, रॉन लुंगशा नाम है इनका। और इनके घर पे हमको सर्च करने पे इसी रूम से जो ये सारा कैश हमको बरामद हुआ है, करीब हमारे 2 घंटे के ऊपर हो चुका है, हम काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने 2,61,00,000 ऑलरेडी काउंट कर लिया है, बट अभी काउंटिंग जारी है। ये सारा पैसा जो है अभी स्टिल काउंट करना बचा हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 3 करोड़ जैसा टोटल कैश सीजन होना चाहिए इनके घर से। ये हम लोग का पूरी रात से चल रहा है, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन और वो सब शुरू हो गया था, लेकिन हमने अराउंड रात को 1-1.5 बजे रेड मारा था इनके घर पे। उसके बाद इनके भागने के बाद फिर हमने सर्च प्रोसेस स्टार्ट किया और करीब आप मान लीजिए कि ये काउंटिंग हमारा खाली 2 घंटे पहले से शुरू है, 3 बजे या 4 बजे मान सकते हैं, 4 बजे से तो सिर्फ काउंटिंग ही चल रहा है। उसके पहले से हमने ये सारा शुरू कर दिया था, ये रेड मारना, सर्च वगैरह, तो ये ऑलमोस्ट पूरी रात से ही प्रोसेस चल रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट 2 रात से इस केस में लगे हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर करने में, और उसके बाद हमने केस इन्वेस्टिगेशन करके ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मार्गरीटा पुलिस स्टेशन की इंटायर टीम का बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है इस चीज़ में, और उन लोग की दिन रात की मेहनत है ये कि हमें इतना अच्छा एक सक्सेस मिला है। हमने लिए हैं ऑलरेडी, हमने सारी एक्सपर्ट टीम्स को बुला लिया है, SDRF, NDRF और एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम डेड बॉडीज़ को निकाल पाएंगे।